Dear students, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। मेडिकल टूरिज्म के पेपर में जो हमारा टॉपिक है बेसिकली कि जो डिफरेंट हेल्थ केयर थेरेपीज हैं इंडिया के अंदर, उनका जब हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने आयुर्वेदा देखा, योगा है, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और साथ में हमारा आता है बेसिकली स्पा। जो स्पा जो है बेसिकली आज के समय के अंदर जो है ये काफी ज्यादा जो है एक टाइप का मतलब कि एक तरह की थेरेपी के रूप में जो है काफी लोग जो है इसको कराते हैं, इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। और इवन जब वो डिफरेंट होटल्स में जाते हैं या डिफरेंट रिजॉर्ट्स में जाते हैं तो ये थेरेपीज कराने के लिए काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो हम उसी के बारे में आज पढ़ रहे हैं। स्पा जो है बेसिकली जो शब्द है वो हम कहते हैं कि स्पा होता है बेसिकली एक लोकेशन जहां पर कि जो मिनरल रिच, जो आपका ऐसा पानी या स्प्रिंग का जो ऐसा पानी है झरनों का या कभी कई बार समुद्र का पानी भी हो सकता है, जो कि जिसके अंदर जो है अच्छे वाले मिनरल्स जो होते हैं वो मिले हुए होते हैं। और उसका मेन पर्पस होता है कि ये मिनरल्स जो है अगर आप इसके अंदर स्नान करते हो ऐसे पानी के अंदर तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। बेसिकली ये पर्पस होता है इसका। और स्पा टाउन्स या स्पा रिजॉर्ट्स जहां पर की हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, जहां हॉट स्प्रिंग्स हैं, जहां पर ऐसी जगहों पर भी रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, टिपिकली ऐसे जो जो है जगहें हैं वो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स या उनसे बहुत सारे हेल्थ ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं प्रॉब्लम्स की जो है, जैसे कि हम बोलते हैं कई उनको बेलिनोथेरेपी बोलते हैं इसको। तो ये माना जाता है कि जो ये जो इलाज करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है बेसिकली बीमारी को दूर करने की, वो हमारे जो मिनरल वाटर के अंदर हमें मिलती है, इसकी जानकारी या इसकी जो शुरुआत है वो हमें ऐतिहासिक समय से जो है हमें नजर आती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो ये स्पा कॉन्सेप्ट है ये आज की डेट का कॉन्सेप्ट है, ये वर्षों पूर्व भी जो है ये से चला आ रहा है। ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत पॉपुलर हुई हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, बट स्पेशली अगर हम कहते हैं तो यूरोप और जापान के अंदर जो है ये बहुत ज्यादा फैली हुई थी। और जैसे कि डे स्पा जो है वो भी काफी पॉपुलर रहे हैं और बहुत सारे जो है पर्सनल केयर के जो ट्रीटमेंट जो है वो इनके द्वारा किए जाते थे। और अगर हम बात करें कि जो ये शब्द जो है स्पा वो कहाँ से आया, तो इसके पीछे जो है ज्यादा क्लियरिटी नहीं है इस शब्द की, ये शब्द जो है वो कहाँ से आया। पर दो थ्योरीज हैं इसके बारे में जो हम कह सकते हैं कि पहली थ्योरी कहती है कि स्पा जो है वो एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है, एक लैटिन फ्रेज है जिसको हम बोलते हैं सेलस पर एक्वम। सेलस पर एक्वम का मतलब होता है हेल्थ फ्रॉम वाटर। तो माना जाता है कि ये शब्द जो है वहां से लिया गया है। और दूसरी तरफ जो है ये कहा जाता है कि बेल्जियम का जो एक शहर, जो कस्बा था या एक गांव जो हम कह रहे हैं उसका नाम था स्पा, कि ये ना वहां से लिया गया है। और जो है रोमन समय से जो है ये नाम जाना जाता है, जब लोकेशन जो है इसको बोलते थे एक्वा स्पेंडेन, और कई बार जो है इसको इनकरेक्टली कनेक्ट किया जाता था और लैटिन शब्द स्पारगेरे जिसका मतलब होता था स्कैटर या स्प्रिंकल मॉइस्चर, ये है यहाँ से जो है ये शब्द जो है वो लिया गया है, इस तरह की जो है माना जा रहा है। और अब जो है इंटरनेशनल स्पा एसोसिएशन जो है वो डिफाइन करती है स्पा को कि स्पा जो है बेसिकली दीज आर द प्लेसेस डिवोटेड टू ओवरऑल वेलबींग थ्रू ए वेराइटी ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेस That encourage the renewal of mind, body and spirit. यानी कि ये वो जगहें हैं जहां पर कि पूर्ण जो है आपकी जो है वेलबींग, आपकी जो है पूरी तरह से जो आपके शारीरिक रूप से जो है आपको हेल्दी रखने के लिए कई तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज जो है जहाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिससे कि आपके माइंड को, बॉडी को और आपकी स्पिरिट को, यानी कि आपका जो आपका मस्तिष्क है, आपका जो शरीर है और आपकी आत्मा, सभी चीजों को जो है एक तरह से हेल्दी रखने के लिए जो है जो प्रोफेशनल सर्विसेज दी जाती हैं आपको, या आपकी बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स करने के लिए जो सेवाएं दी जाती हैं वो जो है उसके अकॉर्डिंगली जो हमने शब्द यूज किया है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, स्पा कहते हैं। तो ये बेसिकली जो इंटरनेशनल स्पा एसोसिएशन है उनके द्वारा बताया गया है।
साथ ही अब हम बात करें कि जो है इतिहास में जो है शब्द जो है स्पा के बारे में या इसकी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करें, तो हम देखते हैं कि स्पा की जो थेरेपीज हैं, स्पा का जो ट्रीटमेंट है, ये क्लासिकल समय से चला आ रहा है। जब माना जाता था कि अगर हम स्नान करते हैं पानी के अंदर तो इससे बहुत सारी बीमारियां जो है वो दूर हो जाती हैं। इसके लिए लोग जो है वो यात्रा करते थे जहां पर गर्म पानी के या ठंडे पानी के झरने होते हैं, और इस आशा के अंदर कि ये उनको बहुत सारे बीमारियों से दूर कर देगा। और इसी तरह से जो है आर्कियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं, जो खुदाइयां की गई हैं, जो जहां पर गर्म पानी के चश्मे हैं, जैसे कि फ्रांस के अंदर या चेक रिपब्लिक के अंदर, उससे हमें पता चलता है कि जब ब्रॉन्ज एज थी, जब जब के जो जो हमें वेपन्स मिले हैं, हथियार मिले हैं, वहां से भी जो है हमें इस चीज के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जो है प्राचीन जो है कथाओं के हिसाब से भी हम देखते हैं, या लीजेंड्स जो है उन्होंने भी कहा है, जो एंशिएंट समय के जो महान लोग थे उनसे भी हमें पता चला है, जैसे कि सेल्टिक राजा जो थे उनके बारे में जब डिस्कवरी हुई तो हमें पता चला कि हॉट स्प्रिंग्स जो बाथ जो है वो भी इंग्लैंड के अंदर जो है हुआ करती। इसके अलावा कुछ और डिस्क्रिप्शंस जो बताए गए हैं जो वेस्टर्न पश्चिम देशों के अंदर, जैसे कि नहाने की जो प्रैक्टिसेस थी जो है ये इस टाइप से स्नान करने की जो प्रैक्टिस थी झरनों के अंदर, ये आई कहाँ से? ग्रीस से आई थी। और जो ग्रीक लोग जो थे उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी। तो हम कहते हैं कि जो ये स्पा का जो प्रोसीजर है जो मॉडर्न टाइम का, इसकी शुरुआत एक तरह से कहाँ से हुई थी? ग्रीक के समय से हुई थी। उसके अलावा जो रोमन्स जो थे उन्होंने जो है जो ये स्नान जो था उनकी कॉलोनीज के अंदर जो स्नान की जो प्रथा है उसकी शुरुआत की थी, और इसका फायदा उठाया था कि जो प्राकृतिक जो गर्म पानी के जो झरने थे जो यूरोप के अंदर जो थे वहां पर उन्होंने बड़े बड़े बाथ जो थे वो बनवाए थे, और फ्रांस के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर भी, और हंगरी जो है के अंदर भी, ये लोकेशंस जो थी जो मुख्य लोकेशंस थी जहां पर इस तरह के झरने थे। ये जो बाथ थे ये एक तरह से जो है केंद्र बन गए जहां पर कि लोग जो है अपनी रिक्रिएशनल या सामाजिक एक्टिविटीज के लिए जो है वो आते थे। जो रोमन कम्युनिटीज थी वहां पर जो है एक तरह से जो है ये एक लोगों के लिए एक एक्टिविटीज जो है वो बन गई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रोमन्स जो थे उन्होंने जो ये बैथिंग का जो कॉन्सेप्ट था इसको ऊंचाइयों तक वो ले गए, एक तरह से एक कला के रूप में इन्होंने इसको तरीके से जो है इसको आगे किया। और जो बाथ हाउसेस जो थे वो ये दिखाते थे समय के साथ साथ, और अच्छे अच्छे जो बाथ हाउसेस बनने लगे जो है उन पर ध्यान दिया जाने लगा, वो इस बात को दिखाते थे, दर्शाते थे कि कितनी धीरे धीरे समय के साथ साथ इस समय में जो है बहुत एडवांसमेंट हुई थी। इसके बाद जब रोमन साम्राज्य जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, वो जो है धीरे धीरे जो है लुप्त होना शुरू हुआ, तो ये माना जाने लगा कि यूरोपियन जो लोग थे वो ये मानते थे, मानना शुरू हुआ उनके अंदर कि बार बार जो है स्नान करना जो है उससे जो है बीमारियां हो जाती हैं या लोग जो है बीमार पड़ जाते हैं। तो कुछ लोगों ने फिर उसके लिए क्या किया, कुछ सिलेक्टेड जो है कुछ जो हॉट या कोल्ड स्प्रिंग्स जो थे ये, या देखा कि कोई भी जो पवित्र जो है कुएं जो थे उनको सिलेक्ट किया, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए तो उन्होंने पर्टिकुलर होली वेल्स जो था उनको चुना था। और उसके बाद में क्योंकि धार्मिक युग एक तरह से शुरू हो गया था तो ये माने जाने लगा कि अगर आप पवित्र कुओं में स्नान करोगे तो वो आपके लिए सही रहेगा। तो फिर जो पानी के जो बेनिफिट्स थे जो फायदे थे वो ये माने गए कि भाई भगवान जो है या कोई साधु संत जो है उनके आशीर्वाद की वजह से जो है ये पानी जो है फायदेमंद है या बीमारियों को जो है वो दूर करता है। उसके बाद 17वीं शताब्दी के अंदर बहुत जो हायर लेवल की के पास ज्यादा पैसा होता था, जो अपर क्लास थी यूरोपियंस की जो है वो अपने जो है कपड़ों को जो है धोते थे पानी के साथ में, और जो है उसके अलावा और फिर ये है सोचते थे कि इवन की पानी का जो है प्रयोग करते थे इन चीजों के लिए, कि वो ये मानते थे कि पूरी बॉडी को जो है वो करना, अगर हम पूरी बॉडी का स्नान कर रहे हैं तो ये एक लोअर क्लास का काम है, लोअर क्लास के लोग जो है ऐसा करते हैं। मतलब कहने का मतलब है वो अपने कपड़े धोते थे उससे,
या आपने जो है बॉडी पार्ट्स जो आपको है जरूरी उनको वॉश करते थे, बट अदरवाइज पूर्ण स्नान के लिए जो है वो फेवर में नहीं होते थे। पर जो अपर क्लास के लोग थे उन्होंने धीरे धीरे जो है अपने इस रवैये को, अपने एक नजरिए को जो है इसमें बदलाव लाया स्नान जो बाथिंग के प्रति जो है, और तो उन्होंने ये माना कि जो है आने वाली शताब्दी के अंदर कि हमारी हेल्थ जो है हम अपनी हेल्थ को बनाए रख सकते हैं इन बाथ्स के द्वारा। 18वीं शताब्दी के अंदर फिर से जो है बदलाव आया, जो कि जो मेडिकल यूज किया जाता था स्प्रिंग वाटर के अंदर, इसको और फिर से बढ़ावा मिलना शुरू हुआ। तो बहुत सारे जो फिजिशियंस थे जो यूरोप के अंदर जो है उन्होंने जो है इसके इसके लिए जो है लोगों को ज्ञान दिया, और इस रिवाइवल इस बदलाव की वजह से जो है जो लोग अब जो है स्पा ट्रीटमेंट को जो है उन्होंने लेना शुरू किया। जैसे कि उदाहरण के लिए कार्लसबाद जो है यूरोप के अंदर एरिया था, माना गया कि यहाँ पर एक्सेप्ट किया कि जो मिनरल वाटर को अगर पिया जाए तो वो अच्छा रहता है। तो धीरे से फिर से जो है एक तरह से कि स्पा जो है वो आगे बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद 19वीं शताब्दी में जो है बेदिंग जो है नहाना जो है बेसिकली वो एक्सेप्ट किया जाने लगा, एक प्रैक्टिस के रूप में एक्सेप्ट किए जाने लगा, क्योंकि जो फिजिशियंस थे उन्होंने रियलाइज किया था कि क्लीनलीनेस से अगर हम साफ सफाई से रहते हैं तो इसके बहुत फायदे होते हैं। तो अब लोगों को ये समझ आना शुरू हुआ कि अगर हम पूर्ण स्नान करते हैं, कंप्लीट बॉडी जो है नहाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर रहता है। उसके बाद मिड 19वीं सेंचुरी के अंदर जो है सिचुएशंस जो है वो बदल गई, और जो विजिटर्स थे जो यूरोपियन स्पास में जो आते थे वो जोर देने लग गए कि जो है स्नान होना चाहिए, पानी पीने के साथ साथ स्नान भी होना जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे जो फाउंटेन्स थे या पेविलियंस थे या ट्रिंकलिन बाथ हाउसेस जो है, और फिर से जिस तरह से रोमन समय में के अंदर जो है इनको बढ़ोतरी मिली थी, इंक्रीज हुए थे, उसी तरह से ये फिर से रिवाइव होना शुरू हो गए। जो भी वाटर के जो सोर्सेज थे ये सब जो है फिर से इनको रिवाइवल मिला। साथ ही अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद में जो स्पा इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई, और पहली पॉपुलर जो स्पा जो थी वो थी सैराटोगा स्प्रिंग्स, जो कि 1815 तक जो है दो बड़ी जो है और चार स्टोरी बिल्डिंग बन चुकी थी। ग्रीक रिवाइवल होटल जो थे वहां पर जो है ये एक फोर स्टोरी जो स्ट्रक्चर जो थी वहां पर, उसके अंदर जो है दो बड़ी जो इस टाइप की जो है स्पा सेंटर्स जो है वो बन गए थे। इसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी आई और 1821 तक जो है यहाँ पर कम से कम 500 कमरे जो है और रुकने के स्थान जो है वो बन गए थे कि जो लोग यहाँ पर आएंगे और स्नान करेंगे उनके लिए जो है ये सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं हमारी जो उसके अंदर हमारी अवेलेबल है जो स्पा के अंदर, उनमें से आती है आपकी पहली है एरोमाथेरेपी। एरोमाथेरेपी हम बात करते हैं कि अगर खुशबू, एरोमा इस खुशबू चीज वाली चीजों से जब आप करते हैं तो आपकी जो बॉडी है अच्छी खुशबुओं से बहुत रिलैक्स होती है, उस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। इसी तरह से आयुर्वेदा के अंदर यूज किया जाता है। इसके अलावा बेदिंग और सोकिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, आप पूरी तरह स्नान करो या अपने आप को बॉडी को जो है उसके अंदर जो है रखो, किसके अंदर आर्टिफिशियल जो वाटरफॉल्स हैं उसमें या स्प्रिंग वाटरफॉल्स के अंदर, फीट बाथ जहां सिर्फ पैरों को स्नान कराया जाता है, पानी में रखा जाता है, या हॉट स्प्रिंग्स भी, हॉट स्प्रिंग्स जो है जापानीज हॉट स्प्रिंग जिनको ऑनसिन कहा जाता था और रोमन हॉट स्प्रिंग्स को थर्मे कहा जाता था, हॉट स्प्रिंग्स में जो है ट्रीटमेंट करे आते थे। इसके अलावा हॉट टब, बड़े बड़े टब्स के अंदर गर्म पानी, मड बाथ मिट्टी सी जो है यूज करते हैं। इसके अलावा जेट हाइड्रो मसाज या स्पैन नेक जेट हाइड्रो मसाज जो है वो की जाती थी। इसके अलावा पीट पल्प बाथ जो है, सोना बाथ, स्टीम बाथ या विक्की शॉवर, ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं बेसिकली इसके अंदर। इसके अलावा जो है आपके बॉडी रैप्स या रैपिंग द बॉडी इन हॉट लिनेंस, ये है बॉडी को जो है पूरा जो है गर्म, एक तरह से जैसे कहते हैं ना गर्म टॉवल को गर्म पानी में निचोड़ के फिर अपनी बॉडी को ढक लो या अपने बालों को ढको, तो वो भी एक इफेक्ट देता है। प्लास्टिक शीट्स एंड ब्लैंकेट्स या मड रैप्स जो है इसके कॉम्बिनेशन में की जाती है, हर्बल कंपाउंड्स के साथ साथ जो है इनको यूज किया जाता है। इसके बाद में आता है हमारा जो है वो है मसाज, इसका हिस्सा है, हेयर केयर है आपका,
और ये बेसिकली जो ये शब्द है ये हमारा ध्यान रखिएगा, दिस इज हेयर केयर, इसमें जो है टाइपिंग छोटा सा एरर है, बस ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका कि जो है नेल केयर, जैसे आपका है मैनिक्योर पेडिक्योर, इस टाइप की हैं चीजें, इलेक्ट्रोलिसिस वैक्सिंग है, बॉडी हेयर रिमूवल है वैक्स के साथ में, या फेशियल्स हैं, ये सारे ट्रीटमेंट जो है वो स्पा के अंदर ही आते हैं। आगे हम बात करते हैं टाइप्स जो है हमारी स्पा की, तो मेन जो टाइप्स हैं, जैसे सबसे पहले इसके अंदर आता है आयुर्वेदिक स्पा। आयुर्वेदिक स्पा जो है जिसके अंदर जो है ट्रीटमेंट जो है किए जाते हैं, और वो स्पेशली जो है ट्रेडिशनल जो इंडियन मेडिकल प्रैक्टिसेस जो होते हैं उसके द्वारा किए जाते हैं, मतलब आयुर्वेदिक जो है उस तरह से जो किए जाते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक स्पा गोवा के अंदर जो है इस टाइप से है, वहां पर भी किया जाता है। इसके अलावा दूसरा है हमारा क्लब स्पा। क्लब स्पा होता है कि वो सुविधा जहाँ पर जो मेन उद्देश्य जो होता है वो फिटनेस का होता है, ठीक है, या हमें जो है पूल के अंदर होता है, और जो कि बहुत सारे प्रोफेशनली एडमिनिस्ट्रेट स्पा सर्विसेज जो है वहां पर अवेलेबल होती हैं, प्रोफेशनल्स अवेलेबल होते हैं जो डेली यूज के बेसिस पर जो भी स्पा से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रूज शिप स्पा। तो स्पा जब अवेलेबल है क्रूज शिप के ऊपर, तो यानी क्रूज शिप पर भी स्पा की सुविधा जब अवेलेबल है, और ये भी जो प्रोफेशनल्स हैं उनके द्वारा जो है सर्विसेज दी जाती हैं, फिटनेस या वेलनेस से रिलेटेड जो भी हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली स्पा कुजीन भी होता है, जो मेन्यू के अंदर चॉइस होती है कि उस वक्त उसके अकॉर्डिंगली क्या कुजीन जो है खान पान दिया जाएगा। नेक्स्ट है डे स्पा। स्पा ऑफरिंग, डे स्पा के अंदर जो है बहुत सारे प्रोफेशनली सर्विसेज जो है वो क्लाइंट्स को दी जाती हैं, और ये डे यूज के बेसिस पर होती है, पर्टिकुलर डे के हिसाब पर आपको क्या चीजें दी जाती हैं। नेक्स्ट हो सकता है हमारा डेंटल स्पा। डेंटल स्पा एक ऐसी सुविधा है जिसके अंदर जो है सुपरविजन के अंदर जो है जो डेंटिस्ट हैं जिनका जिनके पास मेडिकल लाइसेंस होता है, वो ट्रेडिशनल डेंटल ट्रीटमेंट को कंबाइन करके जो है स्पा की सर्विसेज जो है वो देते हैं। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन स्पा। डेस्टिनेशन स्पा जो है वो सुविधा है जिसका जो है मेन जो पर्पस होता है वो होता है कि जो इंडिविजुअल जो स्पा जो है उनको जो है बेसिकली गाइड करने का, उनको जो है सिखाने का, ताकि उनके अंदर जो है हेल्दी हैबिट्स जो है वो डेवलप की जा सके। और हिस्टोरिकली हम कहते हैं कि ये 7 डे का जो है एक तरह से स्टे होता है डेस्टिनेशन पे, किसी भी डेस्टिनेशन पे 7 डेज आपको रुकना पड़ेगा, इस लाइफस्टाइल को आपको जो है इसमें लाइफस्टाइल में आपको ढालना पड़ता है, इसको आपको ट्रांसफॉर्म किया जाए ताकि आपके अंदर जो है पूरी तरह से जो है सारी चीजें के अंदर जो है उसको आपकी सारी तरह की ट्रीटमेंट की जा सके। इसके अंदर स्पा सर्विसेज भी इंक्लूडेड है, फिजिकल फिटनेस की एक्टिविटीज भी आती हैं, वेलनेस एजुकेशन भी दी जाती है, हेल्थफुल खाना पीना भी दिया जाता है, और स्पेशल इंटरेस्ट प्रोग्राम भी कराए जाते हैं। यानी डेस्टिनेशन पर आपको कंप्लीटली बॉडीली आपको आपको आपकी स्पिरिट को आपके माइंड को सभी चीजों को रिलैक्स कराने के लिए 7 डेज की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जो है आपको कराई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉट टब। तो ये एक आउटडोर स्पा है जिसके अंदर की जो अपनी बॉडी की क्लींजिंग और स्नान करने के लिए होता है। नेक्स्ट है फिर आपका मेडिकल स्पा। मेडिकल स्पा जो है वो एक सुविधा है जो कि जिसके अंदर जो है उस जगह पर जो है एक प्रोफेशनल जो है लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होता है उसकी देखरेख के अंदर किया जाता है, जिसका मेन उद्देश्य होता है कि आपको पूरी तरह से जो है मेडिकल और वेलनेस जो है देखभाल देना एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जो है जो कि उसको जो है प्राकृतिक एनवायरनमेंट में उसको प्रोवाइड करा जाता है, जिसमें स्पा सर्विसेज होती हैं और साथ साथ जो है ट्रेडिशनल या कॉम्प्लीमेंट्री या अल्टरनेटिव थेरेपीज और ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है। तो ये जो फैसिलिटी है ये इसका स्कोप ये होता है कि वहाँ का जो स्टाफ होता है वो उनको जो है एस्थेटिक या कॉस्मेटिक या प्रिवेंशन ऑफ वेलनेस प्रोसीजर्स जो है इन सभी की जानकारी जो है वो होती है। और ये स्पा टिपिकली जो है वो बेलिनो थेरेपी को का इस्तेमाल करता है, और इसमें बहुत सारे जो है तरीके जो है वो अपनाए जाते हैं इसको करने के लिए बेसिकली। तो बेलिनो थेरेपी का जो तरीका है उसमें क्या इन्वॉल्व करता है, ट्रीटमेंट में अलग अलग उसका उद्देश्य होता है। स्पा के अंदर जो है इसको हम यूज करते हैं क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस जैसे कि आर्थराइटिस है, किसी को ज्वाइंट पेन्स होता है, या बैक एक है,
या मसल्स जो है उनको बिल्डअप करना है, कोई इंजरी के बाद या बीमारी के बाद है उनको वापस से शेप में लाना है, आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करना है, तो जो है इनको जो है डे टू डे स्ट्रेस, या फिर डे टू डे स्ट्रेस कई लोगों को होता है, उससे रिलीफ पहुंचाने के लिए जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं नॉर्मली, बेलिनो थेरेपी ट्रीटमेंट जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा हमारे जो है मिनरल स्प्रिंग स्पा है, यानी कि एक स्पा जो कि एक जगह पर जो है नेचुरल मिनरल या थर्मल वाटर या सी वाटर के अंदर जो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको हाइड्रोथेरेपी, जो वाटर ट्रीटमेंट वाटर के थ्रू जो है हमें दे रहे हैं उसे हम हाइड्रोथेरेपी भी कहते हैं। साथ ही हमारे आते हैं रिजॉर्ट या होटल स्पा, तो जो स्पा जो है वो ओन्ड है किसी भी पर्टिकुलर रिजॉर्ट के अंदर है बने हुए हैं या होटल के अंदर बने हुए हैं, जहाँ पर फिर प्रोफेशनल जो है वो जो स्पा सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल होते हैं, और फिटनेस या वेलनेस कंपोनेंट जो है के साथ साथ स्पा कुजीन जो है आपकी पसंद का वो भी उसके अंदर शामिल किया जाता है। इसमें कई तरह के आते हैं, जैसे है हमारा फुल बॉडी जो है मड मास्क है, हमारा फुल बॉडी यानी कि पूरी बॉडी के लिए। इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली मिट्टी को जो है वो गर्म किया जाता है और थिक लेयर जो है वो जो है लगाई जाती है, और बॉडी को जो है रैप किया जाता है प्लास्टिक या फॉइल से, ये 20 से 30 मिनट के लिए, और पूरे ट्रीटमेंट में है लगभग 60 मिनट लगते हैं। उसके अलावा 15 मिनट जो है वो किए जाते हैं कि जो क्लाइंट है उसको अपने आप को फिर उसके बाद में पूरा नहा धोकर उसको क्लीन करता है, उस सब चीजों में लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा आता है हर्बल बॉडी रैप भी आता है। हर्बल बॉडी रैप के अंदर बेसिकली क्या है, मलमल के कपड़े के अंदर या मलमल की चादर को जो है वो गर्म किया जाता है, और उसको मशीन के अंदर जो है सोक किया जाता है, जिसके अंदर जो है हर्बल पाउचेस होते हैं, मशीन हर्बल पाउचेस या ऑयल्स रखे हुए होते हैं, ये बॉडी जो है उसको कवर की जाती है फिर टॉवल से या रबर शीट से, उसके बाद जो वो मलमल का कपड़ा है वो लपेटा जाता है, और कुछ एडिशनल शीट या ब्लैंकेट जो है वो बॉडी के ऊपर डाले जाते हैं 20 मिनट के लिए। क्या कहते हैं, गीले जो कपड़े होते हैं उनको जो है बार बार जो है गेस्ट के जो है गीले कपड़े से जो है उसके माथे पर रखा जाता है, और जो क्योंकि जो शीट का जो वेट होता है या इनकी वजह से जो है बेसिकली आप वो पसीने आते हैं उसके लिए आपको जो है ठंडक साथ साथ दी जाती है, और 4 से 6 रैप्स जो है वो एक दिन में दिए जाते हैं। इसी तरह से जो है वाटर थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी जो है ये ट्रीटमेंट है बेसिकली जब वाटर का इस्तेमाल किया जाता है प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए, वाटर जो है एक ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी बीमारियों के लिए जैसे किया जाता है प्राचीन समय से ही, जब जैसे ग्रीक लोग जो है वो करते थे। साथ ही फुल बॉडी मसाज जो है इसके अंदर स्वीडिश मसाज आता है ऑफ टू स्पोर्ट्स डीप टिश्यू के लिए को सपोर्ट करने के लिए, शेत्सु एरामोथेरेपी आती है, रिफ्लेक्सोलॉजी मसाज आती है, ये आधे या 1 घंटे के लिए जो है की जाती है। फुल बॉडी फेशियल किया जाता है, फेशियल जो है इसी तरह से जो है ये ट्रीटमेंट है जिसमें कि क्लीनिंग करा जाती है या डेड स्किन जो है उसको रिमूव किया जाता है, मास्क लगाया जाता है और जो फिनिशिंग लोशन है वो लगाया जाता है, लगभग जो है 1 घंटा 1.5 घंटा जो है इसमें लगता है। नेक्स्ट है हमारा हॉट स्टोन मसाज जो है, ये भी काफी पॉपुलर ट्रीटमेंट है स्पास के ऊपर जो दी जाती है हॉट स्टोन मसाज जो है, ये इसका फायदा होता है कि जो जिस तरह से स्वीडिश मसाज का फायदा होता है उसी तरह से जो है जो गर्म पत्थर जो है वो बॉडी पर रखे जाते हैं, और जो हीट जो होती है इन स्टोन्स की ये हेल्प करती है कि आपकी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, और बॉडी में अगर स्टिफनेस हो या कोई इन्फ्लेमेशन हो उसको भी दूर करती है। तो बेसिकली एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं वहां पर इनको रखा जाता है, तो उससे जो है आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाती है। इसी तरह से हेयर स्पा ट्रीटमेंट है जो है इसके अंदर जो है क्योंकि जो पोर्स होते हैं बॉडी के वो कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, तो जब आपका स्कैल्प जो है से सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया जाता है तो उससे जो आपकी हेयर ग्रोथ है वो बेटर हो जाती है। तो हेयर स्पा जो एक प्रोसीजर है जो मदद करता है आपके जो बालों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बाउंसी और चमकीला बनाने के लिए, और साथ साथ जो है आपकी डेंड्रफ जो है वो भी रिमूव होती है, और हेयर फॉल कंट्रोल है जो बालों का गिरना है वो भी आपका कम हो जाता है। इसी तरह से रिजॉर्ट्स में मिल्क बाथ भी दिया जाता है। इसके अंदर जो है बेसिकली जो है मिल्क के अंदर जो है लैक्टिक एसिड जो मिल्क के अंदर होता है बेसिकली वो हमारी स्किन को जो है वो सॉफ्ट बनाता है, और इसलिए मिल्क बाथ जो है वो दी जाती है उन लोगों को स्पेशली जिनके पास एक्जिमा
या सोरोसिस होता है, स्किन प्रॉब्लम होती है, तो कुछ कप जो है पूरा मिल्क जो है वो या मिल्क पाउडर बाथ वाटर में मिक्स कर दिया जाता है, जिसके साथ साथ जरूरी ऑयल्स और हनी जो है वो भी डाले जाते हैं। ठीक है, तो इससे जो है काफी बेटर लगता है। हम सबको भी पता है जैसे बचपन के अंदर जो मदर्स जो हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको भी जब स्नान कराते हैं तो थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, वो बॉडी को जो है और सॉफ्ट रखने का काम करता है, तो वही एक तरह से है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है मोबाइल स्पा। मोबाइल स्पा का मतलब होता है कि स्पा की जो सर्विसेज हैं जो आप तक पहुंचाई जा सकती हैं, आप जहां अवेलेबल हो। तो जैसे कि स्पा की सर्विसेज घर पर या होटल्स के अंदर या जहां पर भी आप हो, जहां भी आप उन्हें बुलाएं वो वहां पर पहुंच जाती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोबाइल स्पा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पा इंडस्ट्री की हमारे इंडिया के अंदर। तो इंडिया की जो स्पा इंडस्ट्री है वो अभी फिर कम छोटे लेवल पर है, छोटी है, और जो है और इसमें भी स्पेशली जो रिजॉर्ट स्पा है वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। तो मेनली जो हमें जो स्पा जो है वो हमारे रिजॉर्ट्स में अवेलेबल होते हैं। तो ऑफिशियल डेफिनेशन जो स्पा की है वो स्पा एंड वेलनेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर शामिल किया जाता है स्पा के अंदर योगा को भी, मेडिटेशन को भी, हर्बल मेडिसिन्स, न्यूट्रिशनल और डाइटरी प्रोग्राम्स को, साथ ही मसाज, वाटर, स्टीम, सोना सोना बाथ है ये बेसिकली, या एक्सरसाइज, ये सभी चीजें जो है वो स्पा के अंदर जो है वो शामिल की गई। इसके अलावा जो मेडिकल वेलनेस और कॉस्मेटिक मेडिकल स्पास जो है उनको रिसेंटली जो है वो काफी जो है ग्रो कर रही है, ग्रोइंग बिजनेस है, क्योंकि जो भी हमारे ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम के साथ साथ जो और हमारे गैप्स रह जाते हैं ये उनको पूरा करते हैं। तो स्पास जो है बेसिकली कनेक्टेड है मेडिकल टूरिज्म से भी अगर हम कहें तो, क्यों, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म के अंदर जो हमारी मेन सर्जरी हो जाती है, सर्जरी के बाद में पोस्ट ऑपरेशन जो बॉडी को रिवाइव करना होता है, सही होने की जो प्रक्रिया होती है वो उसके अंदर जब लोग रिलैक्स करने के लिए वो है अपनी बॉडी को, जब कहीं भी रिजॉर्ट पर रुकते हैं और कराते हैं ट्रीटमेंट के बाद में जो है रिकवर के लिए, वो सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा जो नॉर्थ इंडिया है हम देखते हैं कि यहाँ काफी बढ़ोतरी हुई है स्पा डेवलपमेंट के अंदर, और इसके जैसे कि मुंबई के अंदर भी, और साथ ही हम देखते हैं केरला रीजन जो है वो काफी ज्यादा वहां पर आयुर्वेदिक मसाज सेंटर्स और स्पा जो है खुले हुए हैं। तो जो हमारा साउथ इंडिया है वहां पर हमारा केरला है, कर्नाटक, ये जो जगहें हैं वहां स्पा जो है, गोवा है, सभी जगहों पर है। तो इंडिया की जो स्पा इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली उसका एक जो उसके आगे सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रीटमेंट्स, कि जो ट्रीटमेंट्स है वो वाकई में जो जिस तरीके से की जानी चाहिए वो हो रही है या नहीं हो रही है। तो क्योंकि आप ये जरूरी है कि ये देखना कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जो उनका जो विज्ञान है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, जैसे कि जो आयुर्वेदा के अंदर बताया गया है। तो बहुत से आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिशनर्स भी जो हैं वो इस बात पे सवाल करते हैं कि आयुर्वेदा जो है उसका इस्तेमाल जो स्पा इंडस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है क्या वो सही रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा कहा जाता है कि जो स्टैंडर्ड्स और एक्रीडिएशन जो है स्पा सर्विसेज के लिए और ट्रेनिंग के लिए जो है ये भी एक चुनौती है। मतलब कि ये है कि जैसे हम मेडिकल टूरिज्म के अंदर हमने कहा कि एक्रीडिएशन किया जाता है तो उससे ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलर जो हॉस्पिटल्स हैं वो उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली सभी सर्विसेज, सभी डॉक्टर्स उस तरह के अवेलेबल है। तो वही स्टैंडर्डाइजेशन इस इंडस्ट्री के अंदर करना जो है एक मुश्किल काम है, और उनको ट्रेन करना भी लोगों को भी। बट जो स्पा एंड वेलनेस एसोसिएशन है इंडिया की, स्वाई जिसे कहते हैं, ये इस बात पर काम कर रही है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट से जो है इन इश्यूज को भी जो है वो सॉल्व किया जा सके, ताकि इस इंडस्ट्री को जो है और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। अब हम बात करते हैं मेनली जो बेनिफिट्स हैं हमारे स्पा के, स्पा जो ट्रीटमेंट हम कराते हैं तो उसके मेन बेनिफिट्स क्या हैं। बेसिकली सबसे पहले तो है कि इससे हम डी स्ट्रेसिंग कर सकते हैं, जो आपका डेली रूटीन है, जो स्ट्रेसफुल जो आपका कार्यक्रम होता है उससे अपने आप को रिवाइव करना, रिलैक्स करना, इसमें जो है ये बहुत मददगार है। इसके अलावा एंटी एजिंग के अंदर भी जो है आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ना, वो सारी चीजें जो है एंटी एजिंग में भी के लिए भी जो है ये हेल्प करता है आपको, जो अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट्स जो है स्पा ट्रीटमेंट्स लेते हो तो इसमें मददगार है। और
मसाज और स्पा के जो बाकी ट्रीटमेंट्स हैं उससे लेने से आपको नींद अच्छी आती है। ये आपके बॉडी के अंदर कहीं दर्द है, कोई जो चीजें हैं उनको दूर करता है, सूजन है, और वेट लॉस करने में भी मदद करता है। आपका जो ब्लड फ्लो और ब्लड सर्कुलेशन है उसको बेटर बनाता है। साथ ही जो पैरों में कई बार वेरिकोस वेन्स हो जाती हैं, बहुत सारी जो वेन्स हैं वो सूज जाती हैं, फूल जाती हैं पैरों के अंदर जो है, क्योंकि वो उनको जो है बेटर करने में मदद करता है ये, और ओवरऑल आपको जो है हैप्पीनेस देता है, हमें खुशी मिलती है इस ट्रीटमेंट को कराने से। अब हम बात करते हैं जो बेस्ट लग्जरी स्पाज हैं इंडिया के अंदर, इंडिया वेलनेस के लिए जो स्पाज हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये जैसे कि हमारे पास में है आनंदा है हिमालयस जो है, आनंदा इन हिमालयस ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर जो है, ये जो है एक आपका बहुत ही अच्छा स्पा है जहाँ पर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं। ये जो हमारा स्पा है ये हिमालयस के बैकग्राउंड के अंदर सिचुएटेड है, और ये महाराजा पैलेस जो स्टेट है वहां पर बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स जो हैं, जो कि परंपरागत जो इंडियन प्रैक्टिसेस हैं आयुर्वेदा की, योगा की और मेडिटेशन की, उन पर आधारित है। और यहाँ पर स्पा बुटीक जो है और यहाँ उस वहाँ पर डिफरेंट म्यूजिक, ऑर्गेनिक फूड, सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो मिनिमम जो है यहाँ पर 3 नाइट का जो है स्टे जो है वो जरूरी होता है करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट या पर्सनल योगा और मेडिटेशन की जो सेशंस हैं जो है वो लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, सेकेंड नंबर पे आता है हमारा विवांता बाई ताज बेकल, ये है केरला के अंदर। ताज होटल ग्रुप जो है, जिसको कि हम जीवा स्पास जो है उनके हैं, जो वर्ल्ड के अंदर बहुत ही बेहतरीन है, जीवा ग्रैंड स्पा विवांता बाई ताज बेकल के अंदर है, ये उनमें से सबसे बड़ा है एक तरह से, और ये लगभग 1,65,000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर फैला हुआ है। ये जो जो होटल है उसके रिजॉर्ट के सॉरी रिजॉर्ट के अपोजिट साइड पे एक नदी भी है, जो कि इसको एक अपना अलग सा जो है लोकेशन प्रोवाइड कराती है। इसको 2015 के अंदर ऑर्गेनिक स्पा अवार्ड भी मिला था, और यहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा दिन के लिए वेलनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसके अंदर डेली योगा सेशन होता है, मसाज भी होता है, फेशियल भी किया जाता है, तो और आयुर्वेद इंडियन एरोमाथेरेपी, स्क्रब्स, रैप्स, बहुत चीजें यहाँ पर अवेलेबल जो है वो कराई जाती है। तो बेसिकली एक अच्छा एक्सपीरियंस है जिसके द्वारा आप अपनी पूरी बॉडी को प्योरीफाई जो है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एस्पा एट लीला पैलेस उदयपुर राजस्थान के अंदर जो है। लीला पैलेस जो है इंडिया का लग्जरी टेंटेड स्पा है। यहाँ पर जो है आसपास जो है लेक पिचोला है, और उसके वहां पर गार्डन्स हैं, और यहाँ पर बेसिकली जो ट्रीटमेंट्स हैं जो रूम्स के अंदर जो है वो क्रिस्टल के शैंडलियर्स बने हुए हैं, प्राइवेट स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, आयुर्वेदिक और मॉडर्न वेस्टर्न स्पा ट्रीटमेंट्स जो है यहाँ पर की दी जाती हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर, और ऑर्गेनिक प्लांट जो एक्सट्रैक्ट हैं या ऑयल्स जो हैं वो उनका यूज किया जाता है, योगा मेडिटेशन सेशंस, टेम्पल जो है पूजा पाठ, हेल्दी स्पा कुजीन, ये सभी चीजें जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ आकर वाकई में जो है स्किन ट्रीटमेंट जो है और ये सारी चीजें जो है आपकी बॉडी को काफी रिलैक्स जो है वो कर देती है। अगला है हमारा निरामाया रिट्रीट सूर्य समुद्रा, ये कोवलम केरला के अंदर, ये अरेबियन सी के नजदीक केरला के अंदर जो है बहुत ही लग्जोरियस रिट्रीट है हमारा निरामाया जो है। ये गेस्ट को जो है काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस देता है, आपको एक बदलाव देता है। यहाँ बहुत सारी जो नेचुरल थेरेपीज हैं जिनमें आयुर्वेदा और योगा भी है वो भी दी जाती हैं, रेफ्लॉक्सोलॉजी है, यूरोपियन हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, चाइनीज और थाई ट्रीटमेंट्स हैं, कई तरह की जो है ट्रीटमेंट्स यहाँ दी जाती हैं, और ये जो डॉक्टर्स हैं स्पा के उनकी जो है देख रेख में ही दी जाती हैं, जो हर एक व्यक्ति के हिसाब से एक डिफरेंट पर्सनलाइज प्रोग्राम जो है वो ऑफर करते हैं। तो बहुत सारा एक स्ट्रेस मैनेजमेंट और वेट लॉस जैसी जो है हम यहाँ पर ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। अगला है हमारा कायाकल्प रॉयल स्पा, जो कि आगरा के अंदर है, और ये ITC मुगल होटल के द्वारा खोला गया है। यहाँ पर जो है ये बहुत बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ है, लगभग 1,00,000 स्क्वायर फीट के अंदर। सबसे बड़ा स्पा है ये एशिया के अंदर,
और हम कह सकते हैं कि ये स्पा जो है इसको बहुत सारे जो है प्राइजेस मिल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि इतना अच्छा ट्रीटमेंट है यहाँ पर और इसका नाम भी बहुत ही रॉयल है। डिजाइन जो है वो मुगल लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर का लिया गया है, जो मुगल आर्किटेक्चर है उसका डिजाइन यहाँ पर किया गया है। स्पा के अंदर जो है पहला लग्जरी हमाम जो टर्किश सोना जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए किए जाते हैं यहाँ पर। अगला है हमारा वाइल्ड फ्लावर हॉल स्पा शिमला के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर आसपास जो है केदार के जो सिदार के जो फॉरेस्ट है देवदार के वो लगे हुए हैं। तो ताजी स्वच्छ हवा आती रहती है और बर्फ से ढके हुए यहाँ पर जो है पहाड़ है। और इसके साथ साथ जो है ये जो रिजॉर्ट जो है ये एक बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, बेस्ट स्पा है, जिसके अंदर की प्लांट और जो फूलों का जो एसेंस है जो है वो एरोमाथेरेपी के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, आयुर्वेदा के जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके लिए किया जाता है। तो हिमालयन रिट्रीट के अंदर बॉडी स्क्रब, इंडियन हेड मसाज, फुल बॉडी मसाज, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स जो है वो दिए जाते हैं। अगला है आत्मंथन रिजॉर्ट स्पा मुल्शी महाराष्ट्र के अंदर है ये। ये 40 एकड़ एरिया के अंदर फैला हुआ है सह्याद्री की पहाड़ियों के नजदीक में, जहां पर मुल्शी लेक भी है मुंबई और पुणे के बीच में। ये स्पा जो है पर यहाँ पर बहुत सारी ट्रीटमेंट जो है वो डिजाइन की जाती हैं पर्सन टू पर्सन के हिसाब से, जिनमें आयुर्वेदिक और वेस्टर्न मसाज, एक्यूप्रेशर, एरोमाथेरेपी, एंटी एजिंग फेशियल्स, प्योरिफाइंग बॉडी पॉलिशेस, रैप्स, बेलिनोथेरेपी और बहुत सारी तरह के ट्रीटमेंट जो है वो दिए जाते हैं। यहाँ पर एक टर्किश हमाम और विची शॉवर्स भी अवेलेबल है। तो स्पेशल स्पा कुजीन जो है वो भी दिया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर यहाँ इस रिजॉर्ट के अंदर जो है स्मोक करना और अल्कोहल पीना जो है वो बिल्कुल मना होता है। तो एक एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो दिया जाता है, जिसमें आप अपनी बॉडी को डेली मसाज और बॉडी पॉलिशेस करा के जो है उसका आनंद जो है वो ले सकते हैं बेसिकली। इसके अलावा शिलिम स्पा हिल्टन शिलिम स्टेट रिट्रीट इन स्पा महाराष्ट्र के अंदर है। रोजेट अहेली स्पा दिल्ली के अंदर भी है, जो कि साउदर्न एरिया जो है दिल्ली के अंदर वहां लोकेटेड है। अहेली स्पा जो है वो बेस्ट लग्जरी रिजॉर्ट है स्पास जो है उनके नाम पर रखा गया है। और ये स्पा के अंदर जो है टर्किश हमाम है, दिल्ली के अंदर पहला जो है इस टाइप का स्पा है। और यहाँ पर जो है इंडोर ट्रीट जो है सूट्स भी अवेलेबल है, प्राइवेट पोर्चेस अवेलेबल है और नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए। बहुत सी आयुर्वेदिक थेरेपीज, बॉडी स्क्रब या रैप्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली हमने देखा कि स्पा जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे वेलनेस टूरिज्म का। और जो है अगर हम जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बेसिकली जिसका पर्पस हमारा वेलनेस है, जिसके उसके अंदर हम स्पा ट्रीटमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, हेल्दी खाने को इंक्लूड करते हैं, फिटनेस एक्टिविटीज उसमें शामिल करते हैं, जैसे हाइकिंग है, साइकिलिंग है, वॉकिंग है, योगा है, पेडलिंग है, क्रॉस कंट्री स्कीइंग है, स्नो शूइंग है, इस टाइप की हेल्दी एक्टिविटीज जो है इसमें शामिल की जाती हैं। और कई तरह की एडवेंचर्स जो है वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं, जिससे कि हमारा माइंड जो है उसको भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हेल्दी हैबिट्स जो है हम अपने जीवन के अंदर एवरीडे लाइफ में शामिल कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल जो है एक तरह से हम अपने एक वेलनेस वीकेंड पर जा सकते हैं, रिलैक्स करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, अपनी बॉडी को री एनर्जाइज या रिजुविनेट करने के लिए। तो स्पा जो है एक तरह से हम मानते हैं कि आज के समय के अंदर जहाँ इतनी भाग दौड़ है और बॉडी जो हमारी जो है हम इतने स्ट्रेस्ड होते हैं, उस सब से जो है रिलैक्स करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है स्पा का जो है हमारा है। ये डिफरेंट डिफरेंसेस हैं जिनके थ्रू हम और इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा स्पा या जो वो किस तरह से मेडिकल टूरिज्म का एक हिस्सा है, और क्योंकि वो बॉडी को रिजुनेट करने के लिए या ऑपरेशन के बाद में बॉडी को रिकवर करने के लिए जो है बहुत ही मददगार होता है ओवरऑल जो है बॉडी के को हेल्दी रखने के लिए। तो आई होप ये सभी को जो है अब क्लियर हो चुका है।